फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्सकोप डीएक्स सिरप के बारे में। जो ये रेक्सकोप डीएक्स सिरप है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट सिरप है आपके सूखी खांसी के लिए। ये जनरली क्या करता है कि सूखी खांसी को एलिमिनेट नहीं करता, ये कंट्रोल करता है, यानी स्टॉप करने का एक तरह से काम कर रहा है। कैसे काम करेगा, क्या क्या है इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स, उनका काम कैसा है, वो सब मैं आपको बात करूंगा। तो गाइस, उससे अलावा और हम डोज के बारे में भी बात करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार इनके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स हमारे जो सूखी खांसी होती है उसको ठीक करने के लिए। तो इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, एक तो हो गया क्लोरफेनिरामीन हो गया, दूसरा डेक्स्ट्रोमिथोरफिन हो गया। क्लोरफेनिरामीन का क्या काम है, तो ये एंटी एलर्जी का काम करता है, जो भी एलर्जी होती है उसको ठीक करता है। कैसे करेगा, तो बॉडी के अंदर जो हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज हुए रहते हैं ना, वो रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकने का काम करता है उनको, जिसकी वजह से कोई भी एलर्जी होती है वो नहीं होती है, जैसे आंख नाक से पानी हो गया ये सब। और जो दूसरा इसके अंदर है ना, वो है डेक्स्ट्रोमिथोरफिन। अब ये डेक्स्ट्रोमिथोरफिन है ना, यही एंटी टसिव ड्रग है, मतलब कि ये सूखी खांसी को ठीक कर रहा है। ये दो तरह से काम करता है, एक तो हो गया कि आपके जो CNS है, दो नर्वस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा भी काम करेगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तरह भी काम करेगा, मतलब दोनों के थ्रू ये काम करेगा आपको खांसी को ठीक करने के लिए। कैसे करेगा ठीक, तो उसके लिए आपको ये समझना है कि आपको एक्चुअल में खांसी कैसे हुई है सूखी वाली। क्या होता है ना कि बॉडी के अंदर जब भी एलर्जेंस आते हैं, तो एलर्जेंस आप बोलो या फॉरेन पार्टिकल्स बोलो या फिर डस्ट पार्टिकल्स बोलो, ये सब आएंगे तो आपके नेक वाले रीजन आएंगे, यानी फेरिंजियल रीजन में आएंगे। यहाँ पे ही तो लैरिंग्स भी होता है हमारे, और उसके बाद हमारे ब्रोंकाई होते हैं जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले रीजन में आते हैं वो एलर्जेंस। आने के बाद क्या होता है ना कि जो हमारे वेगस नर्व होते हैं ना, उनको ये स्टिमुलेट करते हैं, और वेगस नर्व क्या करता है, इम्पल्स जनरेट कर देता है। वो इम्पल्स भेज देता है आपके CNS पे, ब्रेन में कफ सेंटर के पास। ये कफ सेंटर जो होता है ना, जो मेन खांसी के लिए, वही इम्पल्स भेजता है। तो कफ सेंटर प्रेजेंट कहाँ होता है आपके CNS के अंदर, तो मेड्यूला ओब्लोंगेटा के पास। तो ये फाइनली जैसे ही कफ सेंटर के पास जाएगा तो वो स्टिमुलेट कर देगा, यानी वो जो इम्पल्स उसके पास आया था वो अब वहाँ पे जो मोटर नर्व्स होते हैं ना, एक नर्व्स दूसरे नर्व से कनेक्टेड होते हैं, आपको भी पता है। तो वो मोटर नर्व का ही काम है कि वो जो कफ सेंटर इम्पल्स दे रहा है उसको ले जाए बॉडी में, और रेस्पिरेटरी रीजन जो है या फेरिंजियल रीजन है वहाँ पे ले जा करके उस इम्पल्स को वहाँ पे सेंड करें। उसके बाद वही जो है हमारा कफ जनरेट होता है थ्रू फेरिंजियल मसल हो गया या फिर रेस्पिरेटरी मसल हो गया। तो ये काम कहाँ कर रहा है, तो मैंने आपको बताया दोनों रीजन पे काम कर रहा है। तो पहला रीजन था जो वेगस नर्व है ना, वो CNS के पास जो कफ सेंटर है, इम्पल्स आ रहा था तो उसको इनहिबिट कर रहा था, एक यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से इम्पल्स अब उसके पास आए नहीं तो वो मोटर नर्व्स को भेजेगा नहीं, और फाइनली ये पूरा प्रोसेस स्टॉप हो गया जो हमें सूखी खांसी का। दूसरा है कि अगर यहाँ पे काम नहीं किया तो जो हमारे जो मोटर नर्व है इनके पास इम्पल्स आ गया आफ्टर कफ सेंटर ने जो इम्पल्स सेंड किया है, और ये जाएगा कहाँ पे, फेरिंजियल, यानी जो ये वाला रीजन होता है ट्रैकियल, जो रेस्पिरेटरी मसल होता है यहाँ पे आने के बाद वो इम्पल्स एक्ट करेगा, उसके बाद खांसी होती है। तो वो जो इम्पल्स आ रहा है ना मोटर नर्व से इनके पास, फेरिंजियल मसल्स के पास, वो वहाँ पे एक्ट करेगा डेक्स्ट्रोमिथोरफिन, और वो इम्पल्स को इनहिबिट कर देगा एक तरह से, वहाँ पे ना जा पाए, जिसकी वजह से जो आपको खांसी हो रही है वो अब नहीं होगी। तो आपने देख लिया गाइस, दोनों तरह से ये काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस इसके डोज के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे डोजेस लिखा हुआ है, और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो 6 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं ना, इनको जनरली आप 2.5 ml दे सकते हो दिन में 3 बार, और जो बड़े एडल्ट हैं उनको आप 3.55 ml, यानी आप ये ढक्कन देख रहे हो ये 5 ml का है, और ये 5 ml आप दे सकते हो दिन में 3 बार, मॉर्निंग, दोपहर और नाइट में, ये एडल्ट के लिए। और जो उनसे कम है यानी 6 से 10 साल, उनको हाफ दे सकते हो, यानी 2.5 ml। तो ये फाइनली इसके बारे में हो गया। आई होप आपको पूरा अच्छे से नॉलेज मिल गया हो कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी। वीडियो पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।